नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए कुछ वैल्यूएबल पॉइंट शेयर किए हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। फर्स्ट पॉइंट हैव समथिंग इन लाइफ दैट हेल्प्स यू टू मूव ऑन। हमारी अपनी लाइफ में अगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी खुद की वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लाइफ के कुछ मौकों पे, तो हम कंफर्ट जोन को छोड़ करके कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ अपने इनसाइड सेफ बॉक्स में ही रहेंगे, जहाँ पर रहने के लिए हम अननेसेसरी रीजन ढूंढेंगे किसी भी इस चीज को करने के लिए, जो हमें अपने इनसाइड सबकॉन्शियसली पता है कि अगर मैं इस चीज को अपनी लाइफ में करूंगा तो मैं जिस पॉइंट पर अभी अपनी लाइफ में खड़ा हूँ उससे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक पावरफुल रीजन का मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें कदम कदम पर इंस्पायर करेगा उठ करके आगे बढ़ने के लिए। जब कभी भी हम रुक जाए अपनी लाइफ में किसी भी मिस हैपनिंग के कारण, लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी खतरनाक रुकावट क्यों ना आ जाए, हमारा एक रीजन जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है काफी है हमें बूस्टअप करने के लिए कि हम अपने वाई की तरफ बढ़े। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हेल्प करना कौन सी बड़ी बात है। नाउ सेकंड पॉइंट है क्रिएट अ ब्लॉक टू स्टॉप। जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तब हम उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। लॉन्ग टर्म गोल को अकम्प्लिश करने के लिए इनमें से किसी भी एक्टिविटी का हाथ नहीं होता। उन एक्टिविटीज को बार बार करने का मन हमारा इसलिए करता है क्योंकि हम एक तरह से उनको करने के एडिक्ट हो चुके हैं। जब हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी को करते हैं जिसको करने का हमारा मन करता है, ऐसा हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है। जब हम उन एक्टिविटीज को कंटिन्यूसली करते जाते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन की हार्ड वायरिंग सेट हो जाती है, जिसका इफेक्ट इतना होता है हमें ये तक नहीं पता होता कि हम कितना टाइम वेस्ट कर चुके हैं उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। अगर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं तो हमें उन एक्टिविटीज को अपनी लाइफ से पूरी तरह से रिमूव करना होगा। अगर हम अपनी लाइफ को एक लेवल बढ़ाना चाहते हैं, हमारे माइंड को सिर्फ इंस्टेंट बूस्ट चाहिए डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का। हम अपने आप को उन एक्टिविटीज को करने से रोक सकते हैं एक ब्लॉक क्रिएट करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते जाते हैं तो हम उसमें अगर नेट सर्फ करते हैं तो इंटरनेट के सोर्स को बंद कर सकते हैं। और अगर हम टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को कह करके उनकी हेल्प से अपने कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। देखिए, कंफर्ट जोन को छोड़ने का पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। आइडिया सिर्फ आइडियाज होते हैं, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो होती है उन पर एक्ट करने की ताकत। अगर सिर्फ वीडियो को देख करके डिसाइड करेंगे कि मैं ये करूंगा लेकिन एक्शन नहीं लिया तो देखने का कोई फायदा नहीं है। आइडिया सिर्फ जीरो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है उन पर एक्ट करने की हिम्मत। नाउ थर्ड पॉइंट है नो योरसेल्फ एंड इंक्रीज योर अवेयरनेस। हमारा माइंड वैसे ही ये चीज का पर्सपेक्टिव रखता है जो हम सब कॉन्शियसली अपने माइंड में लोड करते हैं। मतलब हमारे माइंड में वैसे ही थॉट्स आते हैं जिन चीजों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं। अगर हम अपने माइंड में अच्छी चीजें डालेंगे तो वो अच्छे थॉट्स को क्रिएट करेगा और उन अच्छे थॉट्स से ही हमारे एक्शंस होंगे। हमें अपने माइंड में क्या डालना है ये हमें खुद डिसाइड करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में एक स्टैंड क्रिएट करना है, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने आप को जानना होगा। अपनी खुद की पहचान से ही हम अपनी डायरेक्शंस एंड एक्शंस डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहां है वहीं रहना चाहते हैं, तो सिर्फ दुखी ही रहेंगे और कुछ नहीं। नहीं तो हमें अपने आप को इम्प्रोवाइज करने पर फोकस करना होगा। अपने खुद की बेटरमेंट के लिए हमें खुद ही स्टेप्स उठाने होंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट योर डे अर्ली एंड ट्राई टू बी इन रूटीन। जब हम अपनी सिचुएशन को लेकर के अवेयर होते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा करने के बाद हम अपने वही पुराने वाले रूटीन में होना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं और एक टाइम बाद अपने वही कंफर्ट जोन में वापसी कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन पूरी तरह से नए क्राइटेरिया के साथ चलने के लिए अभी हार्ड वायर नहीं हुआ, वो अभी चेंजिंग स्टेज पर ही है। ये बात याद रखिए, हर दिन नई शुरुआत है। हम एक दिन तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं लेकिन अगले दिन हमें दोबारा स्क्रैच से शुरुआत करनी होगी। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम वापस से उसी कंफर्ट जोन के रूटीन पर आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले डेली सुबह
जल्दी उठने के अपने यूजुअल टाइम से जिससे आप पहले उठते थे उससे पहले उठने की हैबिट को डालें और इसे रूटीन की तरह फॉलो करें। अगर आप अपनी लाइफ से कंफर्ट जोन को पूरी तरह से रिमूव करना चाहते हैं, नाउ फिफ्थ पॉइंट है प्लान योर डे बट डोंट ओवरथिंक। अपने डे को प्लान करने के वे में कभी कभार इतना सोचते हैं कि पहले कौन सा टास्क होना है उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम लगा लेते हैं। डे को प्लान करना एक रॉ आइडिया होना चाहिए, फ्यूचर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन हम डे की प्लानिंग में इतना सोचते हैं कि हमारे पास सोचे गए टास्क को पूरा करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती, जिसके कारण एट द एंड हम टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक कंफर्ट जोन को क्रिएट करने में ये पहला योगदान है ओवर थिंकिंग करना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।